बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो आज मैं आप लोगों को एक नया वीडियो दिखाने वाली हूँ जिसमें है गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज का हिस्ट्री एग्जीबिशन एंड जियोलॉजिकल एग्जीबिशन। तो ये क्या होता है आप लोगों को यहाँ पे वीडियो के थ्रू से दिखाऊंगी, तो चलिए देखते हैं। तो ये है हम लोग का, इधर शायद पता नहीं मिक्स है यहाँ पे, और इधर लगा हुआ है पीजी डिपार्टमेंट जूलॉजी एंड इधर हिस्ट्री। चलिए एक एक करके देखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मैन, हेलो साय बॉय, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, मेनली हार्ट अटैक के बारे में। तो नॉर्मली तो अब मतलब बहुत सारे कॉमन हो गया है, कॉमन तो नहीं बोलेंगे बट हो रहा है ना, तो उसका प्रिवेंशन बताइए, फिर उसका कुछ सिम्टम्स वगैरह। सिम्टम्स बेसिकली हार्ट अटैक होता है तो चेस्ट पेन बहुत सीवियर होता है, अराउंड 20 मिनट्स रहता है वो चेस्ट पेन, वो बेसिकली रेडिएट भी होता है लेफ्ट आर्म राइट आर्म बैक साइड को भी रेडिएट रहता है, मतलब चॉकिंग सेंसेशन भी फील होता है, स्वेटिंग होता है, मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग भी होता है, वोमिटिंग भी हो सकता है। ओके तो यहाँ पे चल रहा है बीपी चेक, लाइव बीपी चेक देखेंगे। जो कि नॉर्मल में चल रहा है। कोरल रिप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आस्कारिस लुम्ब्रिकोइडिस जेते बेला हम फ्रूट्स गुडा को भोल नै देबा के वेजिटेबल गुडा को ठीक से खुद नै मगे खाइबा एडा पेट में दिल हो तब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हम कॉन्स्टिपेशन हो फूड पाइप जाम कर दो वोमिटिंग हो। थैंक यू। यस तो इधर है लंग कैपेसिटी, तो उसके बारे में जानते हैं थोड़ा। भैया थोड़ा बताएंगे लंग कैपेसिटी मतलब आपका लंग्स कितना एयर स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग का लंग्स जो है करोगे आपका लंग्स को कितना एयर इनहेल कर सकते हैं, कितना पावर है उसके। आप कैलकुलेट करके हमको देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें पूरा पानी ऊपर तक भर देंगे। ओके फिर उसके बाद इसको हम ऐसे रख के इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्ट फिर उसके बाद यहाँ पे पाइप हाँ एक पाइप को आप फूकेंगे, आप इनहेल करके फूकेंगे तो जितना एयर इसमें इकट्ठा होगा वो हम मेजर करके उसको कैलकुलेट करके देंगे। जानते हैं स्नैक के बारे में, तो हम लोग का लोकल एरिया में भी बहुत सारे स्नैक देखने को मिलता है, तो जानते हैं थोड़ा, बताइए थोड़ा।
फंड, ये है नॉन वेनमस स्नेक, वाटर स्नेक नॉन वेनमस, और ये है बैंडेड ग्रेट हाईली वेनमस। पहला चीज स्नेक होता है वेनमस एंड नॉट पॉइजनस। वेनम और पॉइजन बायोलॉजिकली अलग अलग टर्म्स होते हैं। वेनम वो होता है जो बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, और पॉइजन वो होता है जो बाहर से इनटेक किया जाता है। तो ये कुछ कॉमन वेनमस स्नेक से उड़ीसा का, और ये कोई नॉन वेनमस स्नेक से उड़ीसा, और ये डिफरेंसेस है कैसे हम लोग वेनमस और नॉन वेनमस पहचानेंगे, ट्राई कर सकते हैं। वेनमस स्नेक में फैंग्स प्रेजेंट रहता है, फैंग्स फैंग्स ये फ्रंट टूथ है, और नॉन वेनमस स्नेक्स में वैसा फैंग्स नहीं रहता, राउंडेड टिप्स रहता है। वेनमस स्नेक्स का ट्रायंगुलर हेड रहता है, नॉन वेनमस स्नेक्स का राउंडेड हेड। काटेगा तो कैसे पता चलेगा? हाँ वही बता रही हूँ। नॉन वेनमस स्नेक्स को जब कट करता है तो ऐसे आर फॉर्म होता है, आर शेप, आर शेप, आर शेप। वेनमस स्नेक्स जब बाइट करेंगे तो पंचर हो जाएगा स्किन में, जिससे वो वेनम डिलीवर करता है बॉडी में। हाँ ओके थैंक यू। चलिए अभी थोड़ा जानते हैं सीड्स के बारे में। तो सीड्स मंडिया, ये धान को कैसे पहचानेंगे कौन सा धान है? सब तो सेम दिखता है, रेड राइस, धनिया राइस, लोलत धान, क्या क्या धान, ये सुतुरी क्या है? आइए देखते हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल के बारे में। ओल्ड लाइफस्टाइल क्या था, मॉडर्न लाइफस्टाइल? तो पहले के ज़माने में ये सब यूज़ होता था ना, तो अभी बहुत रेयर हो गया, तो आप लोग उसी को रिप्रेजेंट किए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को वर्ल्ड जेनरेशन में कैसे क्या था बिछना। अभी तो बहुत सारा डिज़ाइनिंग वाला मिल गया, और ये वाला जो हम लोग बच्चे टाइम खेलते थे तुम्बा, ये भी तुम्बा पीढ़ा, ये सब पता है। इसको क्या, इसे क्या बोलते हम लोगों में? पहला कासा थाड़ी, कासा डूबने बढ़ने, और नया क्या है, पोहा बोल, क्या है, क्या करते हैं, कुमनी, कुमनी है क्या? कुमनी से सही रहता है। अच्छा अलग थोड़ा, पोहा और इयर रिंग सब क्या, पर्स, पर्स इसमें सर रखा जाता है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेडीज डू नॉट टच। तो पहले के जमाने में ये सब हम लोग यूज करते थे, और उन लोग का लोकल नाम क्या था? ये वाला ही खरपा, तो बंद हो गया, अभी देखने को अभी नहीं मिलता है, मिलता है। दीदी बताएंगे आपके टॉपिक के बारे में। चूड़ी और नॉर्मल जो कंगन होते तो हाँ महुल एडी पिंधु दिले जो सेटा एडा कोन कर मन बने छी एडी कोन बने छी हां एडा तो अच्छी पित्तल कौड़ी एडा को अच्छी चोरखा पित्तल कौड़ी कपड़ा बनी वा पै सूता बनु थिले हां वेस्ट अत खुद खुद चौड़ तो आगरे के मैंने केंती खाऊ थिले सेटा लाइफस्टाइल। थैंक यू। ये है हम लोग का ट्रेडिशनल, देखो मिल गया, इसको क्या बोलते हैं, झुलझुली, ये झुलझुली है क्या? बजा के दिखा रहे हैं। और ये है तमक, तुमड़ा, तुमड़ा, झूमर कहाँ, ये झूमर।
तो चलिए थोड़ा जानते हैं अभी हम लोग का आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में। तो ये है वो पिक्चर सब होना टेम्पल। आपका कलेक्शन बहुत सुंदर है। हाँ तो आर्किटेक्चर क्या होता है मतलब? हाँ इंडेक्स ऑफ कॉन्टिनेंट में हम देखेंगे दो आर्किटेक्चर स्टाइल से टेम्पल बना है, मतलब जो ब्लू प्रिंट होता है जिसके बिल्डिंग्स ले रहे हो या कोई कैसे घर बना रहे हो उसका जो ब्लू प्रिंट होता है उसे हम एज लाइक आर्किटेक्चर ऑन द बेसिस हम बोल सकते हैं। तो एक है नागरा और एक है द्रविड़, बेसिक दो स्टाइल नॉर्थ और साउथ में दोनों को कंबाइन करके वे सारा स्टाइल बना है, एक इंडिपेंडेंट स्टाइल। और भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं मतलब जो हमारे एशियन टाइम से डिफरेंट जो एम्पायर है ना उनके भी अलग अलग खुद के इंडिपेंडेंट स्टाइल है जो ये दोनों नागरा और द्रविड़ से इन्फ्लुएंस होकर थोड़े और मॉडिफाई करके और बनाया गया है ना। जगन्नाथ और मधुमेश्वर पंचकेदर के तीन प्रोमिनेंट टेम्पल और दो है हमारे कल्पेश्वर और रुद्रनाथ। उसका ये जो शिखर आप देख सकते हैं इसका उसमें है नहीं, वो सिर्फ नीचे का स्ट्रक्चर है और उसका शिखर डेवलप नहीं हुआ है। गर्भ गृह संचय आप लोगों को पता होगा अभी बहुत सारे मतलब डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वैक्सीन यूज करते हैं, तो वही है यहाँ पे वैक्सीन के बारे में। हाँ बीमार होगा उसको दिया जाता है लेकिन ये सब मिथ है। नॉर्मली वैक्सीन मतलब हर एज ग्रुप को दिया जाता है पर कोई भी मतलब बीमारी को मतलब प्रिवेंट करने के लिए या फिर कोई बीमारी हो गया जैसे कोई कुत्ता काट ले इसको उसके लिए तो कुत्ता काट लिया तो उसके लिए क्या वैक्सीन है? कुत्ता जो जब टॉप बाइट होता है उस हिसाब से उसके जो टॉप बाइट के लिए जो वैक्सीन रहते हैं वो आपको पहले 14 डोज लेता था अभी 5 मिलते हैं। फर्स्ट इनिशियली अगर कोई ये मतलब टॉप बाइट होता है तो पहले टिटैनस देते हैं क्योंकि वो फॉरेन सब्सटेंस है तो पहले टिटैनस देते हैं उसके बाद जो 4 डोजेस है या फिर 5 डोजेस है दिया जाता है। तो कौन कौन सा डिजीज में हम लोग मेनली वैक्सीन लेते हैं? मेनली अभी मतलब जैसे पॉपुलर जैसे आपका मिजल्स हो गया रूबेला हो गया कुछ साल पहले मिजल्स रूबेला का वैक्सीन दिया जाता है। बचपन से बच्चे लोगों को पोलियो का वैक्सीन पोलियो के बारे में थोड़ा बताइएगा क्योंकि ये कॉमन है सब लोग जानते हैं पोलियो के बारे में। बहुत ही डेली डिजीज है मतलब इसे मतलब बच्चे मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है वो अफेक्ट करता है तो आजकल मतलब अभी भी वो कैंपेन जा रही है कुछ देर कुछ दिन मतलब कुछ साल में वो इराडिकेट हो जाएगा और उसके लिए मतलब गवर्नमेंट ये चालू है कि मतलब वो कैसे इराडिकेट है और उसके लिए बचपन से ओरल वैक्सीन ये दिया जाता है। हाँ। इंजेक्शन टाइप का भी एक वैक्सीन दिया जाता है। थैंक यू। एंड जूलॉजी एग्जीबिशन तो कुछ मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि हम लोग का क्लास नहीं हो रहा था तो मैं इधर आई थी एग्जीबिशन देखने। तो होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, मुझे अच्छा लगा। और एक था बीपी चेक हो रहा था वहाँ पे बट मैं कर नहीं पाई। ठीक है मिलते हैं आप लोगों से एक नया ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।